आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी, मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बावजूद मील वालों की मांग कमजोर होने से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों तेल तिलहन और सोयाबीन दाना एवं लूज कीमतों में मामूली गिरावट आई है, जबकि बाकी सभी खाद्य तेलों के भाव अपरिवर्तित बंद हुए हैं। सूत्रों ने बताया है कि मलेशिया और शिकागो एक्सचेंज में 0.3% की तेजी थी। विदेशों की इस तेजी और सस्ता होने तथा किसानों द्वारा मंडियों में कम आवक लाने के बावजूद तेल मिलों की मांग कमजोर रहने से सरसों तेल तिलहन और सोयाबीन दाना एवं लूज के भाव में मामूली गिरावट देखी गई है, जबकि आयातित तेलों के ऊंचे भाव के बीच मांग कमजोर रहने से बाकी तेल तिलहन के भाव पूर्व स्तर पर बंद रहे हैं। वहीं सूत्रों ने बताया है कि पिछले साल मंडियों में अप्रैल महीने के दौरान सरसों की आवक लगभग 12 लाख बोरी की थी, जो इस बार घटकर लगभग 6.25 लाख बोरी रह गई है। सरसों के सस्ता होने से इसका रिफाइंड बनाया जा रहा है, जिससे आगे जाकर सरसों में दिक्कत आ सकती है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर सरकारी संस्था हाफेड को बाजार भाव से सरसों खरीदकर स्टॉक बनाना चाहिए, जो आड़े वक्त देश के काम भी आ सकता है। पिछले साल किसानों के अलावा तेल मिलों के पास सरसों का 30 से 35 लाख टन का स्टॉक था, लेकिन इस बार स्टॉक एकदम खाली है, क्योंकि सरकार के द्वारा स्टॉक लिमिट लागू किए जाने के डर से सभी तेल तिलहन के भंडारण से बेच रहे हैं। वहीं विदेशी वनस्पति तेल कंपनियों के इन तेलों के वायदा कारोबार पर भी भारी छूट देखने की जो पेशकश के बीच सॉल्वेंट एक्सट्रेटर्स एसोसिएशन यानी कि सी के अध्यक्ष ने कहा है कि छूट दिए जाने की इस पेशकश के कारण व्यापारी स्टॉक निर्मित करने का जोखिम मोल नहीं लेना चाह रहे थे, तथा सरकार के स्टॉक लिमिट लागू करने के कारण खाद्य तेलों की आपूर्ति श्रृंखला को बहाल रखने में रोड़ा अटक रहा है। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही। बड़ी और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।